कीवर्ड्स ऐसे लगाना है जो सर्चेबल कंटेंट में होते हैं। आप चाहो तो गूगल से सर्च कर सकते हो, आपका अगर कंटेंट किसी भी कैटेगरी का हो, आप उस कंटेंट का पहली लाइन आप। नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और जैसे कि आप लोग देख रहे हो YouTube टिप्स 2.0। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको 5 टिप्स ऐसे देने वाला हूँ जो आपके चैनल को 110% ग्रो करेगा। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये 5 टिप्स जो मैं आपको दे रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जो आपको 5 टिप देने वाला हूँ उसमें से तीसरा और पांचवा सबसे ज़्यादा फायदेमंद है, इसलिए वीडियो पर एंड तक बने रहिए। ऐसा नहीं कि आपने वीडियो स्किप करके देख लिया और आखिरी के पांचवा और तीसरा पॉइंट देख लिया लेकिन आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको स्टार्टिंग से वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको ये 5 टिप्स आपके चैनल को कैसे ग्रो करेंगे, कैसे आपको फायदा होगा, कैसे आपको सब्सक्राइबर मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बता दूं कि मैं आप लोगों के लिए जेन्युइन कंटेंट लेकर आता हूं। दोस्तों, इसमें कोई भी फेक नहीं होता है। और दोस्तों, यहां तक कि मैंने ये भी देखा है कि आप लोगों को अगर फेक वीडियो कोई दिखा देता है तो दोस्तों आप उसको लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो, लेकिन अगर आपको कोई जेन्युइन वीडियो जो देता है आप उसके वीडियो को लाइक नहीं करते हो और भलते कमेंट करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो दोस्तों ऐसा मत कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पर पहले ही लाइक कर लीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए कोई भी फेक वीडियो नहीं लाता है। आप जाके चैनल पर मेरे विजिट करके देख सकते। चलिए दोस्तों, वो 5 टिप्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले टिप्स नंबर 1। दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है टिप्स नंबर 1 की। दोस्तों, सब टिप्स नंबर 1 है, वो है आपका थंबनेल। दोस्तों, आपको समय के हिसाब से चलना पड़ेगा। दोस्तों, आज तो YouTube ने भी बता दिया कि आपको थंबनेल कैसे बनाना है। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। आप YouTube ने भी आपको बता दिया कि आपको अपने YouTube वीडियो के लिए थंबनेल कैसे बनाना है, क्लियर, अच्छे और कलरफुल, और जहाँ पे ऑडियंस उसे क्लिकबेट कर सके। तो दोस्तों, यहाँ पर YouTube को ग्रो करने के लिए थंबनेल का भी एक बहुत बड़ा हाथ होता है। दोस्तों, अगर आपको अपना YouTube ग्रो करना है तो आपको अच्छे से अच्छा क्लियर थंबनेल और अभी के लेटेस्ट जमाने के हिसाब से आपको थंबनेल बनाना होगा। तो सबसे बड़ा कारण ये है अपने चैनल को ग्रो करने का कि आप थंबनेल बरोबर नहीं बनाते हो, इसलिए आपका चैनल ग्रो नहीं हो पाता है। इसलिए दोस्तों, आपको थंबनेल अच्छे से अच्छा बनाना है और आपको अपना थंबनेल पिक्सल से बनाना है जिसमें कि क्लियरिटी बहुत ज़ोरदार होती है और आपका थंबनेल भी बहुत अच्छा बनता है। अगर आपको इसके बारे में किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मेरे चैनल पर जाके विजिट कर सकते हो, वहाँ पे आपको सारा ट्यूटोरियल मिल जाएगा किसी भी वीडियो के बारे में, थंबनेल हो चाहे कीवर्ड्स हो। तो ये सारा ट्यूटोरियल्स मैंने बना के रखा है, आप चैनल पर विजिट करके वहाँ पे बना सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की। दोस्तों, सेकंड पॉइंट की बात आती है तो सेकंड पॉइंट हमारा टाइटल। दोस्तों, आपको टाइटल कैसे लिखना है ये आपको थोड़ा सोचना होगा। भले एक वीडियो का टाइटल लिखने के लिए भले आप 15 से 20 मिनट लगा दो, लेकिन आपको आपके टाइटल में कुछ ऐसा लिखना होगा जिससे ऑडियंस आपके टाइटल को पढ़े और वहाँ पे आपके वीडियो को क्लिक करे, तभी आपका जो चैनल है वो ग्रो होगा, तभी आपका वीडियो वायरल होगा। क्योंकि वीडियो वायरल होने के लिए हमारे थंबनेल का और हमारे टाइटल का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके टाइटल में कुछ ऐसा राज की बात आप लोगों ने बताई है और वहाँ पे सस्पेंस क्रिएट किया है तो दोस्तों ऑडियंस आपके थंबनेल को पढ़कर ही आपके वीडियो को क्लिक करेगी और आपको वहाँ पे अच्छे खासे व्यूज़ मिलेंगे, और अच्छे खासे व्यूज़ मिलेंगे तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि आपको वहाँ पे सब्सक्राइबर भी अच्छे खासे मिलेंगे। चलिए दोस्तों, टिप्स नंबर 3 यानी कि टिप्स नंबर 3 की हम बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे अपने डिस्क्रिप्शन की। दोस्तों, आपको थंबनेल अच्छा बनाना आ गया और आपने टाइटल भी अच्छा खासा लिख लिया, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन में क्या करना है? दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में अपने कंटेंट के मुताबिक ही आपको वहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन भरना है। जैसे आपने टाइटल लगा लिया तो टाइटल में सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में आपको टाइटल कॉपी करके पेस्ट कर देना है। उसके बाद में क्या करना है दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में आपके कॉन्टेंट के मुताबिक वहाँ पर आपको कीवर्ड्स लगाने होते हैं। दोस्तों, आपको कीवर्ड्स लगाने होते हैं और वहाँ पे 15 हैशटैग लगाने होते हैं। अपने चैनल के कंटेंट के मुताबिक आप वहाँ पे कीवर्ड्स 10 से 15 कीवर्ड्स लगा दीजिए और आपको 15 के अंदर हैशटैग लगाने के लिए भी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप टाइटल डिस्क्रिप्शन में टाइटल लगा देते हो और कीवर्ड्स लगा देते हो, साथ ही में हैशटैग लगा दीजिए, तो आपका वहाँ पे डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप अपने किसी भी इंस्टाग्राम का लिंक या फिर किसी भी चैनल का लिंक आपको अगर वहाँ पे शेयर करना है तो आप वहाँ पे एक दो लिंक शेयर कर सकते हो या ज़्यादा भी लिंक आप शेयर कर सकते हो, यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे नंबर 4, टिप्स नंबर 4 की। तो दोस्तों, टिप्स नंबर 4 में आपको टैग्स के बारे में बताऊँगा कि आपको अपने चैनल पर जब आपने थंबनेल बना लिया, आपने टाइटल लिख लिया,
आपने डिस्क्रिप्शन भी अच्छी तरीके से भर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर बात आती है अब अपने टैग्स लगाने की। दोस्तों आपका कंटेंट कौन सा है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने वीडियो का कंटेंट कौन सा बना रहे हो, और वहाँ पे आपको अपने कंटेंट के मुताबिक ही टैग्स लगाने पड़ते हैं, जो कि 10 से 15 20 टैग्स आप वहाँ पे लगा सकते हो। दोस्तों तो सबसे पहले अगर आपने थंबनेल अच्छा बना लिया है तो आपने टाइटल में आपने जो भी लिखा तो आपको अपने टाइटल का टैग्स बनाना है और आपको टैग्स में लगाना है। उसके बाद जैसे ही आप कुछ कीवर्ड्स लिखते हो अपने डिस्क्रिप्शन में तो उस कीवर्ड में से कुछ 4-5 कीवर्ड्स आपको क्या करना है, आपको अपने टैग्स में लगाना है। दोस्तों तो यहाँ पर आपका टैग्स कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, मैंने वहाँ पे एक ट्यूटोरियल बनाया है कि आपको टैग्स कैसे लगाना है। दोस्तों यहाँ पर आ गया थंबनेल, टैग्स, डिस्क्रिप्शन और टाइटल। यहाँ पे आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है तो आपका वीडियो हो गया है कम। तो दोस्तों पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो ये टिप्स है पांचवा, दोस्तों ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। दोस्तों पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स ये है कि आपको कीवर्ड्स ऐसे लगाना है जो सर्चेबल कंटेंट में होते हैं। आप चाहो तो गूगल से सर्च कर सकते हो, आपका अगर कंटेंट किसी भी कैटेगरी का हो आप उस कंटेंट का पहली लाइन आपको गूगल में डाल देना है, वहां से आपको सर्च करना है। आपको जब स्क्रॉल करके आप नीचे जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। दोस्तों ये कीवर्ड्स ही आपके चैनल को रैंक करवाते हैं, आपको चैनल को सर्च में लाने का काम करते हैं, और यही सारी चीज़ है जो मैंने आपको टिप्स बताया है। ये सारे जो 5 टिप्स है अगर आप अपने चैनल पे अपना लोगे तो आपका चैनल, दोस्तों यकीन नहीं मानोगे, आपका चैनल रॉकेट की तरह उड़ेगा, आपका चैनल बहुत जल्दी ग्रो होगा। दोस्तों आप अपने वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज़ पा सकते हो और अच्छे खासे सब्सक्राइबर पा सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये 5 टिप्स आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो वीडियो पर लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और अपना ख्याल रखिएगा।